हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम हैंड के कौन कौन से बेसिक व्यू और हैंड एक्सरे की पोजिशनिंग और इसको करने के लिए टेक्निकल फैक्टर क्या होते हैं इन सभी को इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आइए जानते हैं हैंड एक्सरे के बारे में रेडियोग्राफी सबसे पहले जानते हैं हैंड का एक्सरे क्यों किया जाता है हैंड एक्सरे आर यूज प्राइमरली टू कन्फर्म सस्पेक्टेड फ्रैक्चर इन द डायग्नोस्टिक्स ऑफ अर्थराइटिस एंड इन फंक्शनल हैंड एंड लोकलाइजिंग फॉरन बॉडीज मतलब हैंड का एक्सरे मुख्य रूप से अर्थराइटिस को डायग्नोस्टिक करने के लिए किया जाता है और फंक्शनल हैड में सस्पेक्टेड फ्रैक्चर को कन्फर्म करने के लिए और हैंड में फॉरेन बॉडीज की लोकेशन देखने के लिए हैंड का एक्सरे किया जाता है अब हम हैंड और रिस्ट जॉइंट के बोन्स और उनके एनाटॉमी के बारे में जानते हैं हैंड और रिस्ट में ट्वेंटी सेवन होती है यह बोन्स कार्पल्स मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस होती है जो यह कार्पल बोन होती है वह आठ बोन होती है यह कार्पल बोन स्केपोड ल्यूनेट ट्रिकूट्रम पिसीफॉम ट्रेपेजियम ट्रेपिजोइ कैपिटेट और हैमेट होती है हैंड में यह है फाइव बोन मेटाकार्पल बोन होती है हैंड में फोर्टीन फेलेंजेस होती है इन फेलेंजेस के थ्री टाइप होते हैं फर्स्ट है प्रॉक्सिमल फेलेंजेस सेकंड है मिडल फेलेंजेस और थर्ड है डिजिटल फेलेंजेस अब हैंड के एक्सरे की पोजिशनिंग की बात करते हैं रेडियोग्राफी में अपन हैंड के थ्री प्रोजेक्शन लेते हैं फर्स्ट है हैंड पी ए व्यू मतलब पोस्टेरियर टू एंटीरियर सेकेंड है हैंड ऑब्लिक व्यू इसमें हैंड को पी ए व्यू से फोर्टी फाइव डिग्री लेटरल टन करवाते हैं थर्ड है हैंड लेटरल व्यू इसमें हैंड और रिश्त को पी ए व्यू से 90 डिग्री रोटेट करवाते हैं फर्स्ट है हैंड पी ए व्यू पेशेंट इज सीटेड अलोंग साइड द टेबल मतलब पेशेंट को एक्सरे टेबल के अलोंग साइड मतलब एक्सरे टेबल के बगल में बैठाया जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस प्रकार पेशेंट को एक्सरे टेबल के बगल में स्टूल पर बैठाया जाता है द अफेक्टेड आर्म इफ़ पॉसिबल इज फ्लैक्सडे एट 90 डिग्री सो द आर्म एंड कैन रेस्ट ऑन द टेबल मतलब अगर पॉसिबल हो तो अफेक्टेड आर्म को 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है ताकि आर्म को टेबल पर रेस्ट मिल सके द कैसेट इज प्लेस्ट अंडर द अफेक्टेड हैंड मतलब अफेक्टेड हैंड को एक्सरे कैसेट पर रखा जाता है द एल्बो इज फ्लैक्स्ड शो द आर्म एंड हैंड कैन रेस्ट ऑन द टेबल मतलब एल्बो मुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि हैंड एक्सरे टेबल पर रेस्ट कर सके इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस प्रकार एल्बो मुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि फोर आर्म को रेस्ट मिल सके द हैंड इज प्रोनेटेड शो दाल्मर सरपेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द कैसेट मतलब हैंड को प्रोनेटेड मतलब हैंड को पिए पोजिशन में रखा जाता है और पालमर सरपेस कैसेट के कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए हैंड इज प्लस टू पाम डाउन ऑन द फिल्म विद द फिंगर्स एक्सटेंडेड मतलब हैंड को पीए पोजिशन में एक्सरे कैसेट पर फिंगर्स को फैला कर रखा जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस प्रकार हैंड की फिंगर्स को फैलाकर एक्सरे कैसीड पर रखा जाता है आक्स पेशेंट टू रिलैक्स हैंड टू एवॉइड मोशन मतलब हैंड एक्सरे कैसीड पर हिले डुले नहीं इससे बचने के लिए पेशेंट के हैंड को आराम से रखने के लिए कहा जाता है द साइड मार्कर इज प्लास्टिक करेक्टली मतलब एक्सरे कैसीड पर राइट या लेफ्ट मार्कर करेक्टली रखा जाना चाहिए हैंड एक्सरे के पी व्यू में एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट थर्ड मेटाकार्पल्स के हेड पर होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस जगह थर्ड मेटाकार्पल्स के हेड पर एक्सरे बीम का सेंटर होता है कोलिमेशन जो कोलिमेशन होता है वह हैंड की साइज का होना चाहिए इंक्लूड्स ऑल द डिजल फेलेंजस टू द डिजल अल्ना एंड रेडियस मतलब कॉलिमेशन में डिजिटल अल्ला रेडियस के सभी डिजिटल फेलेंजेस इंक्लूड होने चाहिए मतलब कॉलिमेशन की साइज उतनी होनी चाहिए जिसमें मेटाकार्पल्स बोन और फेलेंजियस बोन इंक्लूड हो थर्ड नंबर पॉइंट है गोनाडल सिल्डिंग इट शुड बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम स्केट रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट पॉलिसी मतलब हैंड का एक्सरे करते टाइम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्केटर रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए गोनाडल सील्डिंग होनी चाहिए इमेज रिसेप्टर जो इमेज रिसेप्टर होता है वह बॉडी पार्ट के साइज़ पर डिपेंड करता है नॉर्मली हैंड के एक्सरे में अपन 24 फोर इंटू सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर का इमेज रिसेप्टर यूज करते हैं नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। आईआर मतलब इमेज रिसेप्टर पोर्ट्रेट फॉर सिंगल प्रोजेक्शन एंड लैंडस्केप फॉर टू प्रोजेक्शन बाय यूजिंग द लेड डिवाइडर मतलब इमेज रिसेप्टर पर लेड डिवाइडर का यूज करके दो प्रोजेक्शन लिए जा सकते हैं दो प्रोजेक्शन के लिए इमेज रिसेप्टर लैंडस्केप होना चाहिए और सिंगल प्रोजेक्शन लेने के लिए इमेज रिसेप्टर पोर्ट्रेट होना चाहिए नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर हैंड के एक्सरे में 45 से 50 केवीपी और टू से फाइव एम एस होना चाहिए और एक्सपोजर फैक्टर बॉडी पार्ट्स की थिकनेस और इंटेंसिफाई स्क्रीन की स्पीड पर डिपेंड करते हैं नेक्स्ट है एफ एफ डी मतलब फोकल टू फिल्म डिस्टेंस हैंड के एक्सरे में एफ एफ डी हंड्रेड सेंटीमीटर होनी चाहिए और हैंड के एक्सरे में ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मतलब इसमें बक्की का यूज नहीं किया जाता हैंड का सेकंड नंबर प्रोजेक्शन है हैंड पी ओब्लिक। इसमें हैंड को 45 डिग्री लेटरल टर्न किया जाता है और इसमें सेंटरिंग पॉइंट सेकंड मेटाकार्पल के हेड पर होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें हैंड पी ए ओब्लिक व्यू की पोजिशन इस प्रकार होती है और इसमें एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट सेकेंड मेटाकार्पल के हेड पर होता है हैंड का थर्ड नंबर प्रोजेक्शन है हैंड लेटरल व्यू इसमें हैंड और रिश्त को 90 डिग्री पर रोटेट किया जाता है और इसमें सेंटरिंग पॉइंट सेकंड मेटाकार्पल के हेड पर होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह हैंड लेटरल व्यू की पोजीशन होती है और इस सेकंड वाले डायग्राम में यह ट्रू लेट्रल की पोजीशन होती है और इसमें एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट सेकेंड मेटाकार्पल के हेड पर होता है सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले मेरे नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा